नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा एसके अर्थ के इस खास यूट्यूब चैनल में आज आपके लिए लेके आया हूँ धनेश यानी हॉर्नबिल पक्षी के बारे में बहुत ही रोचक व उपयोगी जानकारी से युक्त वीडियो। मित्रों, धनेश एक बहुत ही खूबसूरत व बड़े आकार का पक्षी है। इसकी चोंच काफी लंबी और नीचे की ओर घूमी होती है और ऊपर वाली चोंच के ऊपर लंबा उभार होता है। इसी उभार की वजह से इसका अंग्रेजी नाम हॉर्नबिल पड़ा है। यहाँ पर हॉर्न का शाब्दिक अर्थ सींग तथा बिल का शाब्दिक अर्थ चोंच है, यानी सींग युक्त चोंच वाला पक्षी। धनेश पक्षी की संसार भर में लगभग 55 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और मलेशिया के द्वीपों में पाई जाती हैं। भारत में धनेश की कुल 9 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जो दुनिया की सबसे आकर्षक व रंग बिरंगी पक्षियों में से एक हैं। हॉर्नबिल गाय के सींग के समान अद्भुत रंग बिरंगी चोंच व उस पर हड्डियों के हेलमेट समान ढांचे की वजह से आसानी से पहचानी जाती है। धनेश यानी हॉर्नबिल एवीज वर्ग के अंतर्गत आने वाले गण ब्यूसेरोटी फार्मिस तथा कुल ब्यूसेरोटिडी का सदस्य है। आप इस वीडियो में जिस धनेश को देख रहे हैं, यह भारतीय सलेटी धनेश है। इसका वैज्ञानिक नाम आकीसेरास बिरोस्ट्रिस है। यह साधारण हॉर्नबिल है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और आमतौर पर जोड़ों में रहता है। इनके पूरे शरीर पर सलेटी रंग के रोए पाए जाते हैं और इनके पेट का हिस्सा हल्का सलेटी या धूसर सफेद रंग का होता है। इनके सिर का उभार काले या गहरे सलेटी रंग का होता है। यह अक्सर ग्रामीण अंचलों में पाया जाता है तथा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर भ्रमण करता नजर आता है। हॉर्नबिल दिनचर सर्वपक्षी चिड़िया है, जो मुख्य रूप से फल फूल और छोटे जंतुओं को खाता है। तेंद, गूलर, पीपल तथा बरगद के फल को यह बड़े चाव से खाता है। हॉर्नबिल के सिर पर बना उभार एक प्रकार की हड्डी का ढांचा होता है, जिसे हॉर्नबिल आइवरी कहते हैं। हॉर्नबिल का प्रजनन काल मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के आखिर तक चलता है। अंडे देने के लिए ये अक्सर ऊंचे वृक्षों के कोटरों या पहाड़ की अरियों के दर्रों को चुनता है। मादा हॉर्नबिल कोटरों में एक बार में सफेद रंग के 6 अंडे देती है तथा अंडे रखने के बाद खुद को कोटर में बंद कर लेती है। नर व मादा कोटर के मुख को मिट्टी की दीवार बनाकर बंद कर देते हैं। कोटर में सिर्फ थोड़ी जगह भोजन पहुंचाने के लिए रखी जाती है। बस उसी थोड़ी सी जगह से नर धनेश मादा को गूदेदार भोजन उपलब्ध कराता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब नर तथा मादा मिट्टी की दीवार को ढहा बाहर आ जाते हैं और स्वच्छंद विचरण करने लगते हैं। पर विगत 2 दशकों से इनकी संख्या में काफी कमी आई है, जिसका प्रमुख कारण बड़े वृक्षों तथा वनों का विनाश तो है ही, साथ ही साथ इनकी कमी का प्रमुख कारण इनका शिकार भी है। कई देशों में इनकी चोंच से अनेक नक्काशीदार वस्तुएं तथा इनके मांस से तेल बनाया जाता है, जिसकी बदौलत इनका बड़े पैमाने पर शिकार व काला बाजारी की जाती है, जिसे रोका जाना अति आवश्यक है। नमस्कार।